मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा के हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव का आगाज किया। 3 फरवरी तक चलने वाले जल महोत्सव में कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन होगा, साथ ही प्रदेश की संस्कृतियों की भी महोत्सव में झलक दिखेगी। पर्यटकों को लुभाने के लिए 104 लग्जरी टेंट भी बनाए गए हैं। वहीं शुभारंभ के मौके पर सीएम कमलनाथ ने नौजवानों के भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा कि नौजवानों का भविष्य बनाना हमारा लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की बात कही। आज के नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है, आज जो ये गूगल और ये व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ है, ये इस नौजवान की अपनी सोच है, इसकी भी एक तरफ है, और यही हमारा भविष्य है। और यही नौजवान हमारे निर्माण का, हमारे मालवा का, हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर हम इनका जीवन सुरक्षित नहीं रख पाए, इनके सामने केवल अंधेरा हुआ, तो कैसा मध्य प्रदेश बनेगा भविष्य में? यह हमारे सामने चुनौती है। कृषि क्षेत्र की तो चुनौती है, कृषि क्षेत्र की चुनौती हम नीतियां बना लेंगे, किसानों को न्याय मिल जाएगा, वो तो हो जाएगा, पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की भविष्य की है। हमने शुरुआत करी किसानों का कर्जा माफ करने के लिए। पहले किस्त में लगभग, जैसे बताया गया, 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। बहुत सारे कहेंगे, कैमरा के सामने जाएंगे और कहेंगे हमारा कर्जा तो माफ हुआ ही नहीं। किसका नहीं माफ हुआ? मैं बताता हूं किसका नहीं माफ हुआ। उससे पूछेगा तेरा कर्जा कितने खाते हैं तुम्हारे? लाखों की संख्या में किसानों के एक से ज्यादा खाते थे। क्या करते हैं उनका? पर उनका भी उपाय निकालेंगे, क्योंकि हमने वचन दिया है। मैंने सिद्धांतिक रूप से कहा हुआ है कि मैं घोषणा नहीं करता। घोषणा करने वाले तो 15 साल रहे, हाँ, उनको दुख नहीं दिखता था, लोगों की समस्याएं नहीं दिखती थी, आंखें नहीं चलती थी, नौजवानों की पुकार नहीं सुनाई देती थी, कान नहीं चलते थे, मुंह बहुत चलता था। तो इसलिए मैंने कहा है कि मैं घोषणा नहीं करता।